हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमर। मेरा नाम है सारिया। बिल्कुल सारिया, आज जो वीडियो है बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने बंगला सॉन्ग सुना है? बिल्कुल मैंने सुना। बिल्कुल, हमने पहले एक रिएक्शन किया था शायद बंगला सॉन्ग पे, आपने किया था, तो लेकिन आज हम बंगला सॉन्ग सुनने जा रहे हैं वो एक फॉरेनर की जुबान से सुनने जा रहे हैं। वो तो मैंने पहले कभी नहीं बिल्कुल सुना। और आपको पता है फॉरेनर का जिस तरह का बोलने का स्टाइल है वो भी बंगला में जो है वो सॉन्ग जो है वो गाएंगी, तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग ये वाला एक वीडियो है। मतलब क्योंकि हाँ बिल्कुल, क्योंकि फॉरेनर जो होते हैं जैसे से पता, जैसे हमें बंगला नहीं आती बिल्कुल बोलनी, तो वैसे जैसे बात है हम सॉन्ग भी वैसा नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन आज का जो सॉन्ग है वो है जी ताजिकिस्तान की स्टार है और वो गाएंगी बंगला सॉन्ग और बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई थिंक ये कोई बैंड है और ये पता नहीं कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, लेकिन पहले वीडियो देख लेते हैं। वीडियो क्योंकि वीडियो के बाद बाकी बातें डिस्कस करते हैं, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में जाने से पहले प्लीज मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आपको मजीद वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स वॉच द वीडियो। हैवी स्टे विद अस। हैवी गो। ये कोई मेरे ख्याल से कोई कॉन्सर्ट वगैरह हो रहा है। आवाज अच्छी है। वाह, तो लग नहीं रहा कि ये कोई फॉरेनर है। वेरी नाइस। ताजिकिस्तान के लग नहीं रही है, ऐसा लग रहा है बंगाली ही हैं और वो बंगला सॉन्ग गा रही हैं। बिल्कुल। क्या बात है, लग नहीं रहा कि ये ताजिकिस्तान की हैं और कितनी कॉन्फिडेंस के साथ वो गा रही है ना। म्यूजिक बहुत टॉप क्लास है। आई थिंक नीचे बंगाली लिखी आ रही है, अब पता नहीं है। Oh,
आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यार, बहुत कमाल की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है और लग नहीं रहा था कि ये जो हैं वो जो है ताजिकिस्तान की हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो उनका स्टाइल था गाने का बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसा बंगला मतलब बंगला में ही खुद मतलब वो रहती हैं और बंगाली हैं खुद, और जिस तरीके से गा रही थी ना बहुत कमाल का लग रहा था। और अक्सर आपने देखा होगा कि फॉरेनर जो होते हैं वो कोई दूसरी जुबान जब बोलते हैं तो वो बड़ा मुश्किल होती है बोलने में, और वो उस तरह का नहीं लेकिन बोले नहीं जाता उनका, वो जो एक स्टाइल होता है बोलने का वो उस लिहाज से नहीं बोल पाते, लेकिन जिस तरीके से वो उन्होंने परफॉर्म किया है और बहुत कमाल का। अब ये कोई कॉन्सर्ट वगैरह हो रहा था, मुझे लगता है यकीनन ये बांग्लादेश में हो रहा होगा क्योंकि हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये उनके कंट्री में तो नहीं होगा, ताजिकिस्तान में, क्योंकि वहाँ के लोग थोड़ी बंगला सुनेंगे तो वो यकीनन बांग्लादेश में जो है वो ये कॉन्सर्ट होगा। और ये हाँ बिल्कुल, और एक सीन ऐसा भी आया था कि कोई उनके फैन जो हैं वो उनको कोई गिफ्ट वगैरह भी देते हैं, तो वो बड़ा अच्छा मुझे लगा वो वाला। तो यकीनन मुझे आइडिया मैंने लगाया कि मुझे आया कि शायद ये वहीं पे होगा, बाकी हमारे व्यूवर जो हैं वो बेहतर बता सकते हैं कि ये बिल्कुल बिल्कुल कहाँ पे उन्होंने गाना गाया है। बिल्कुल, तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो का लाइक शेयर ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी करें ताकि हमारी जो न्यू वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बिल्कुल, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।